नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही संसद में संशोधन विधेयक पेश करने की बात कही, विपक्ष हमलावर हो गया। कुल मिलाकर जब से इस बिल के संसद में आने की बात और बिल के मसौदा सामने आया है, मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में इसे लेकर खासा रोष दिखाई दे रहा है। इसकी वजह मानी जा रही है कि संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत व हैसियत कम करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार देश के वक्फ बोर्ड की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह व पारदर्शी बनाना चाहती है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला। वही आज जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में गुरुवार को पेश हुआ, इस बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने सरकार से सवाल किया कि कुरान में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए आखिर कैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर छिड़ गई है सियासी जंग। देश में वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको भाजपा की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है, उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कही। उनकी इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह बिफर गए और आवेश में आ गए। क्या हुआ ये देखिए। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। सपा सांसद ने कहा कि 10 साल से अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। रामपुर सांसद ने कहा कि कुरान में क्या लिखा है, या आप तय करें या हम तय करेंगे, इससे हम मजहब में दखलअंदाजी कर रहे हैं। ऐसे कानून से मुल्क की साख को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाजाबता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलअंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर, इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर AIIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। ये विधेयक इस बात का प्रमाण है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुनिए। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। बाई रिमूविंग वक्फ बाई यूजर, दिस गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। सर, take this example of 107, you have made it more difficult to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments
एंड द गवर्नमेंट सर खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पूरी किचकिच के बीच इस विधेयक की बारीकियों को खूब समझाने की कोशिश की। किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। 1995 के वक्त एक्ट में ऐसा प्रावधान है जो सबसे ऊपर है। ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए कोई कमी है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो संशोधन बिल हम लाए हैं उसमें सारा प्रावधान है। देखा जाए तो इस बिल पर मुस्लिम समुदाय के अलावा राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध देखा जा रहा है। वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए जा रहे हैं बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, उनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में ये संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। अचल संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक है। संशोधन बिल में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। ये प्रावधान अब तक नहीं था। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।